उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ तुष्टिकरण को भी कम कर रहा है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में भाई भतीजावाद वाली सियासत पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने मेरा कोई परिवार नहीं होने की बात कही वे भाई भतीजावाद की सियासत करते हैं। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे वो दिलेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने अक्सर उन योजनाओं की घोषणा करके जनता की आंखों पर पट्टी बांधी जिन पर काम शुरू करने का उनका कोई इरादा नहीं था। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी पिछड़ा माना जाने वाला आजमगढ़ आज चमकता सितारा है और देश के लिए विकास की नई इबारत लिख रहा है। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी ने यूपी में 34,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने ये भी कहा कि किसी को भी इन परियोजनाओं को चुनावों से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकास कार्य को तेज किया है। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर है। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टीयर 2 टीयर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और अलीगढ़ हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। इसके अलावा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। पीएम ने 108 करोड़ की लागत से आजमगढ़ में बने महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 5 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूरे यूपी में 12 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी ने आजमगढ़ से किया।